लॉकडाउन का विरोध तो गांधी वाड्रा परिवार शुरू से करता रहा है। इन्हें हर बात को लेकर दिक्कत है, हर काम में खोट और कमी, झूठी बातों के सहारे निकालने की आदत सी हो गई है। लॉकडाउन 3.0 का विरोध तो इन्हें करना ही था, इसलिए बहाना खोजा गया और वो बहाना बना आरोग्य सेतु ऐप। राहुल गांधी ने झट से कह दिया कि आरोग्य सेतु ऐप चोरी से निगरानी करने वाला जुगाड़ है। राहुल गांधी ने इससे लोगों के निजी डेटा की चोरी और गोपनीयता भंग होने की आशंका जाहिर की, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए इसे राहुल का एक और नया झूठ करार दिया। राहुल ने ट्वीट किया और कहा कि आरोग्य सेतु एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है जिसे एक निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है और इसमें कोई संस्थागत जांच परख नहीं है। इससे डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। गांधी ने कहा कि टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन नागरिकों की सहमति के बिना उन पर नजर रखने का डर नहीं होना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने अपने आरोपों के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिए। उन्हें ऐसा कुछ करना भी नहीं है, बस आरोप लगाओ और निकल जाओ। राहुल गांधी की हवाई राजनीति का यही फॉर्मूला है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा कुछ ऐसी ही बातें प्रियंका वाड्रा पहले कह चुकी हैं। राहुल ने बस प्रियंका की बातों को दोहरा भर दिया। इससे पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े एक सवाल पर वीडियो लिंक के जरिए संवाददाताओं से कहा कि आरोग्य सेतु के संदर्भ में कई विशेषज्ञों ने निजता का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस इस विषय पर विचार कर रही है और अगले 24 घंटे में समग्र प्रतिक्रिया देगी। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए सूचना तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, रोज नया झूठ। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, श्रीमान गांधी वक्त आ गया है कि आप अपना ट्वीट ऐसे लोगों को आउटसोर्स करना बंद कर दें जिनको भारत की समझ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के दुनिया में भी सराहना की जा रही है जिसे सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बताया है। राहुल पर निशाना साधते हुए प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप शक्तिशाली सहयोगी है और जो लोगों की सुरक्षा करता है। इसमें डेटा सुरक्षा की ठोस व्यवस्था है। जो लोग जीवन भर निगरानी करने में जुटे रहे वे नहीं समझ सकते कि प्रौद्योगिकी का अच्छे कार्यों में भी उपयोग किया जा सकता है।